Hi guys, welcome to the Bina Decodes. टाइटल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज शाद है, तब हिंदी में गोदभराई बोलते हैं लेकिन बंगाली में बोलते हैं शाद। गुरमीत अभी तक वापस नहीं आ पाए, ही स्टिल इन साउथ अफ्रीका। और आज का ही डेट है जो शुभ मुहूर्त है अकॉर्डिंग टू पंजिका, और इसके बाद स्ट्रेट अवे मिड और एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ कुछ डेट है। आप लोगों को तो पता ही है मेरा सिचुएशन थोड़ा सा ऐसा ऐसा है, मतलब कभी भी हो सकता है, कभी भी। जस्ट वेटिंग विथ माई हॉस्पिटल बैग रेडी एकदम बैकग्राउंड, इसीलिए हमने सोचा कि आज कर देते हैं। एक्चुअली बहुत बड़ा प्लान था कि हम लोग किसी अच्छे बड़े कोई वेन्यू हायर करेंगे, बहुत लोग आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया बिकॉज अचानक से सिचुएशंस थोड़े से ऊपर नीचे हो गया। मेरी तबीयत भी उतनी ठीक नहीं है, आई एम जस्ट फीलिंग टू अनकम्फर्टेबल, बट अकॉर्डिंग टू माई कमिटमेंट मैं हमेशा वीडियो बनाती रहूंगी। मम्मी आ गई है ज्वेलरी लेके। ज्वेलरी, ये ज्वेलरी आपने मुझे बहुत बार पहनते हुए देखा, लेकिन मैं खुद पहनूंगी आज, और मैं बाद में दिखाती हूँ। कमिंग बैक टू टुडे, अभी सुबह तक क्या किया वो मैं बताती हूँ। आज डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट था, मीटिंग हिम विद फ्रेश ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट। जो ब्लड टेस्ट हुआ था आपने देखा था, तो उसमें काफी ज्यादा SGPT, SGOT और यूरिक एसिड भी ज्यादा आया, मतलब सब कुछ ही थोड़ा सा डिंग हो रहा है ऊपर नीचे। बट जो डॉक्टर है मेरे, उनसे आपको मिलना चाहिए, मैं आज आपको मिलाती ही हूँ। तो डॉक्टर एक्चुअली द वे ही हैंडल्ड मी थ्रू आउट इज अमेजिंग। सो दिस इज माय डॉक्टर, डॉक्टर पंकज लोधा, और इन्होंने लियाना को भी जन्म दिया था। हाउ मच आई ट्रस्ट हिम मैं कैसे ही बताऊं। जो आप मेरा कॉन्फिडेंस देख रहे हो कि मैं एकदम रिलैक्स्ड हूँ, जिस तरीके से बात करती हूँ, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिम। बिना कारण मैं आती हूँ उनसे मिलने के लिए कभी कभी, और सिर्फ कॉन्फिडेंस लेके जाती हूँ। एंड व्हाट यू से डॉक्टर, वो आप एक बार बताइए। सी आई ऑलवेज बिलीव, जो हमेशा मैं बोलता हूँ, वी शुड नो ऑल द रिपोर्ट्स। वी आर सपोज टू ट्रीट पेशेंट्स more than the reports. We should know back of the mind what are the reports, but we should treat patients, not the reports. And that is one good thing which you have understood, okay, how you have got it very positively. In this full pregnancy, you have managed your pregnancy mainly with your own efforts, without much medications, and hardly you have complained anything. I used to ask myself, kuch complain nahi kar, no complain. Inka to main number nahi dungi, lekin obviously aap inka naam google karenge to mil hi jayega, aur ye kahan pe aapko cloud 9 mein mil jayenge. Trust me, there's something called, doctor tension de dete hai, aisa nahi hoga, aisa nahi karna chahiye. Inhone mujhe hamesha bola, koi baat nahi, aapko acha lag raha na, aap karo. एंड दैट कॉन्फिडेंस डॉक्टर, दैट हैज केप्ट मी गोइंग। मुझे जो भी हुआ, मतलब आज भी आप जो रिपोर्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, मुझे पता है आप है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। गॉड हैज बीन वेरी काइंड, हीज बीन वेरी हेल्पफुल विद अस, द जर्नी रिमेनिंग विल बी वेरी गुड। तो जो भी होगा आप लोगों के सामने होगा, और आप लोगों को मैं लूप में रखूंगी। थैंक यू डॉक्टर, बाय बाय। मैं ये बताना चाहती हूँ दैट दूसरे लोग, मतलब मुझे देख के बोला आपका सिचुएशन बहुत स्केरी है, आपको लेटे रहना पड़ेगा, आपको आराम करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। और डॉक्टर ने एक चीज कहा, आई डू नॉट ट्रीट द पेशेंट अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, आई ट्रीट देम अकॉर्डिंग टू देम, देयर हैप्पीनेस। उन्होंने हमेशा मुझे समझा, और उन्होंने ये चीज समझ लिया कि एक इंसान जब खुश होता है उसका बॉडी अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, और स्ट्रेस, टेंशन, इन सब में बॉडी अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, इनफैक्ट गिव अप कर देते हैं। तो अभी भी जो सिचुएशन है, जो भी हो रहा है, बहुत टाइम से पहले काफ़ी चीज़ें होंगी, लेकिन डॉक्टर द वे ही इज़ देयर विद मी, आई जस्ट फील सो कॉन्फिडेंट एंड सो ग्लैड। अभी तो मैं रेडी हो जाऊंगी, तो आप देख रहे हैं मैं कपड़ा, ज्वेलरी सब कुछ लेके रेडी हूँ। सूट पहन रही हूँ, कफ्तान टाइप का कुछ, क्योंकि मुझे साड़ी पहनने को हिम्मत ही नहीं हो रही है। तो यहाँ पे भी कुछ ज्वेलरीज है, ये रहे कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, यहाँ पे कुछ रियल ज्वेलरीज, सब कुछ मिला के आज मैं रेडी होंगी। तो पहले आउटफिट पहन लेती हूँ, उसके बाद ज्वेलरीज भी डाल लूंगी। बताइए कैसा है, इजंट इट ब्यूटिफुल,
थोड़ा उलझ गया, अभी इसको सुलझाना पड़ेगा। जिंदगी भी ऐसी है कि सब कुछ उलझ जाता है और किस तरीके से आप उसको सुलझा के चलते हो, दैट इज द रियल एसेंस ऑफ लाइफ। दो चीज हो रही है और एक मतलब जो फिजिकली जो मैं फील कर पा रही हूँ, एक है ट्रिमेंडस बॉडी डिस्कलरेशन। मुझे पता नहीं आप लोगों को वीडियो में देख के समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं एटलीस्ट 7 to 8 times टैन हो चुकी हूँ। और जो लोग मुझे सामने से देख रहे हैं वो बोल रहे हैं कि इतना मतलब टैनिंग कैसे हो गया है। आई एम लाइक आई डोंट नो, बट इस बार ऐसा कुछ हो रहा है, मतलब बहुत टैनिंग हो गया है। प्लस देयर इज ट्रिमेंडस डिस्कलरेशन इन फ्यू पार्ट्स ऑफ द बॉडी, स्पेशली इन माई अंडर आर्म्स, इन माई बैक इन द सेंस बम एट द बैक ऑफ द नेक, एंड थोड़ा सा वियर्ड लगता है, बट आई थिंक इट विल गो विथ टाइम एंड विथ प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ द राइट प्रोडक्ट विच इज कोजिक एसिड। कोजिक एसिड इज सेफ टू अप्लाई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। राइट नाउ मैं दो चीज यूज कर रही हूँ कोजिक एसिड का, वो है कोजिक एसिड का फेस सीरम, दिस इज 2% कोजिक एसिड फेस सीरम, एंड दिस इज अ 1% कोजिक एसिड डेली ग्लो बॉडी सीरम लोशन। जैसे आप देख सकते हैं ये जो फेस में अचानक से पता नहीं एक ब्रेकआउट क्यों हुआ, होके दाग छोड़ के चला गया, द ब्रेकआउट इज गॉन, बट ये दाग दिख रहा है ना, दूर से भी दिख रहा है ना, तो उसके लिए आपको लगाना है द कोजिक एसिड फेस सीरम। इसमें है 1% अल्फा आर्बुटिन, कोजिक एसिड, नायसाइनामाइड, दिन और रात दोनों टाइम आप लगा सकते हैं। और बॉडी इज अ बिगर दिस थिंग, यहाँ पे कब तक आप टिक 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 करके सीरम लगाएंगे, तो पूरे बॉडी में एक बॉडी लोशन लगा लीजिए। इसमें है अल्फा आर्बुटिन, विटामिन सी एंड कोजिक एसिड। लगाना भी बहुत आसान है, फेस धोने के बाद ये जो सीरम है 2 to 3 drops लेके अपने फेस पे लगा लीजिए, स्पेशली इन द अफेक्टेड एरिया। बहुत अच्छा होगा अगर आप रात को लगाएं ये, तो मतलब इसको रिचुअल बना लीजिए, जहाँ जहाँ डिस्कलरेशन हुआ है उधर अच्छे से लगाइए रात को सोने से पहले और सुबह नहा लेने के बाद। ये तो मैं लगा चुकी हूँ क्योंकि नहा के ऑब्वियसली कपड़े पे पहन चुकी हूँ, बॉडी लोशन कैसे लगाते ये मैं दिखा नहीं सकती, बहुत ही वियर्ड जगह पे बहुत डिस्कलरेशन हुआ है वो मैं दिखा नहीं सकती, बट मैं जेन्युइनली बता रही हूँ कोजिक एसिड लगाने से मेलाज्मा, डार्क स्पॉट्स, डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन ये ट्रीट होता है, एंड दीज आर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। सो जब हल्की इंग्रेडिएंट जब काम नहीं आता है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जब काम नहीं आता है, तो हमें थोड़ा सा एक कदम एक्स्ट्रा जाना पड़ता है, तो ये है वो एक कदम एक्स्ट्रा। और डर्माको एज अ ब्रांड मुझे पसंद है, दे आर नास्टीज फ्री, दे आर सल्फेट पैराबेन फ्री, मिनरल ऑयल डाई फ्री, और विद माय कोड दबीना 2022 यू विल गेट एन एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट, द प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल हियर। ऑल्सो डर्माको हैज स्टार्टेड अ न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड यंग साइंटिस्ट, अकॉर्डिंग टू दैट दे हैव प्लेज टू एडुकेट अ चाइल्ड अलॉन्ग विद भूमि थ्रू आउट द ईयर, दे aim to educate 10,000 children, that is again amazing। तो मैं skin prep भी कर चुकी हूँ, थोड़ा सा information भी दे चुकी हूँ, और एक बहुत funny चीज़ बताती हूँ, ये है dry brush, इसको आज तक मैं dry brush करती थी और रखा रहता था, suddenly because of raised level of SGPT, SGOT और maybe liver में थोड़ा सा pressure आ रहा है, जिसके लिए मुझे scratching हो रहा है इतना ज्यादा, इट्स नॉट इवन फनी, मतलब मैं खुजा के पागल हो रही हूँ, तो इतना खुजाया कि यहाँ से खून ही निकल आया। ये देखिए कि इधर कट भी गया है, इसीलिए मैंने एक इनोवेटिव तरीका ढूंढा है इसके साथ, तो जब भी मुझे एक्स्ट्रा खुजली हो रही है मैं आराम से ड्राई ब्रशिंग कर रही हूँ, तो दिस इज सो नाइस, मतलब मैं इसको लेके ही ऑलमोस्ट घूम रही हूँ, इससे ना कोई स्किन में दाग हो रहा है, ना खून निकल रहा है, और मस्त ड्राई ब्रशिंग हो रही है, एक्चुअली बहुत अच्छी बात है, सोचा आप लोगों को भी बता दूँ। तो अभी थोड़ी देर में गेस्ट आ जाएंगे, ऐसा नहीं कि मेरा गेस्ट लिस्ट बहुत लंबा है, गेस्ट लिस्ट बहुत ही छोटा है, घर के ही 2-4 लोग आ रहे हैं, मेरी सिस्टर इन लॉ आ रही है, मतलब मेरे भाई की बीवी, गुरमीत के भाई की बीवी, मतलब गुरमीत की सिस्टर इन लॉ, मतलब मेरी और एक सिस्टर इन लॉ जीविता, मम्मी पापा भाई, जिसको मैं सबसे ज्यादा मिस करूंगी आज वो है गुरमीत, क्योंकि ही इज आउट ऑफ स्टेशन। तो मैं रेडी हो जाऊं, आज मैं एकदम छू मंतर से रेडी होने वाली हूँ, 1 2 3 छू मंतर रेडी। अभी मम्मी हेल्प कर रही है, इतना छोटा तो घुस जाना पड़ेगा, नहीं तो एक काम करती हूँ, एक बड़े बिंदी के ऊपर ये छोटी बिंदी लगा लेती हूँ, ये पहन लिया मैंने बड़ी बिंदी, इसके ऊपर मैं लगा लूंगी ये बहुत ही छोटी सी मम्मी वाली बिंदी, ठीक है, ठीक ही होगा। इयर रिंग क्या पहनूं, इयर रिंग यही पहन लेती हूँ, थोड़ा सा गॉर्जियस तो लगना चाहिए, मैं इटा किछु एटा प्रॉब्लम होइछे, इटा एखाने झुलबे, इटा के खुले एखाने लगिए दाओ तो, कान का मेरा जो
छेद है, इतना छोटा है, गुस्सा ही आता है मुझे इयररिंग लगाने को। जब भी लगाती हूँ 3-4 दिन और घाव हो जाता है, और 4-5 दिन लगा नहीं सकती, फिर वो छेद और वापस से छोटा हो जाता है। ये नेवर एंडिंग चलता ही रह रहा है। एज के साथ साथ लोगों का इयररिंग, इयर का छेद भी लंबा होता रहता है। अच्छी लग रही हूँ मैं? मम्मी कैसी लग रही है बताओ? टिपिकल बंगाली मम्मी। आज बंगाली बन के रेडी हुई है। बंगाली हूँ, बंगाली बन के क्या? आज का जो प्रोग्राम है वो तो बंगाली रसम है, सब कुछ बंगाली जैसा हुआ, इसलिए मैं बंगाली जैसा मम्मी बन गई। अभी तो मैं नानी भी हूँ, इसलिए तो नानी नानी दिखना चाहिए। ये मेरा सास का कपड़ा है, कितना दिन पुराना। सास भी मेरे साथ में है कपड़े के साथ, अच्छा लग रहा है मुझे। और ये जो ब्लाउज मम्मी पहनी है, जो 50 बार मम्मी ने मुझे बोला कि ये ब्लाउज कितने साल पुराना, 15-20 तो हो ही गया, 15-20 साल पुराना ये ब्लाउज में अभी भी मम्मी फिट होती है। तो मम्मी कितनी फिट है। तो मैंने बोला कि ये इसीलिए है क्योंकि तुम मेरे साथ हो और मैं हमेशा हेल्दी 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 करती रहती हूँ। अभी अगर कलकत्ता में होती तो मतलब हो जाती, कभी भी चांस नहीं छोड़ती। किसी ये एरकम भावे आमाके शादी दिले करनो, ये यहाँ के यहाँ से यहाँ तक बिंदी। मैं कुछ और ही लग रही हूँ अभी। आशीर्वाद ले लो मुझसे। चलिए बाहर मिलते हैं, बाय। अरे खावटा गुच्छी नहीं है, वो पहचान पा रहा है, वो खुश है मिलके। उस दिन मेरा दिवाली का व्लॉग देख के बहुत लोगों ने पूछा था कि आपकी सिस्टर इन लॉ बिल्कुल रेडी होके क्यों नहीं आई, क्योंकि वो हॉस्पिटल से आई थी, वो एडमिटेड थी 2 दिन हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल से छुटकारा पाते ही यहाँ आई, दिवाली सेलिब्रेट किया और घर गई। तो आपने देखा जल्दी चली गई थी। तो जो भी दिखता है हर एक के पीछे एक रीजन होता है। चाहते तो मतलब एक यू नो शो ऑफ करके हम दिखा सकते थे, पर वही दिखाते हैं जो रियल है और जो नेचुरल है। तो आज देखिए कितनी तैयार होकर आई है। दोनों ने बिंदी नहीं डाली, मैं दोनों को बिंदी लगाऊंगी। हैप्पी दिवाली, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से विश नहीं कर पाई थी। दोनों थोड़े आधे अधूरे लग रहे हैं, तो मैं दोनों को बिंदी लगाऊंगी। ये पहनी हुई है येल्लो कलर की ड्रेस, तो येल्लो बिंदी लगाओ। कुछ भी लगा दो, मैंने लगा दिया लाल। पूरा टप हंसते बोशते, तुमको भी लाल ही डालूंगी। रेड इज माई फेवरेट कलर। देखो अभी कंप्लीट लग रही है दोनों, है ना। ये है वो गुजराती जो लियाना के लिए सारी गुजराती आउटफिट लेकर आती है, मतलब होली हो या दिवाली गुजराती बन के डांडिया जैसे तैयार हो जाती है। अभी क्या, अभी कोई फुटेज मत लो, फुटेज इतना ज्यादा हो जाएगा फिर एडिटर मेरा मारेगा। क्या बात करता है यार। Oh my God! Look at that! Who has come? अरे दिखा दो लोगों को। पाब्लो क्रश हो जाएगा नीचे। कितनी प्रिटी लग रही है ना जीविता, आज इतना बोलने के बाद पापा एक ढंग के कुर्ता पहने, नहीं तो कुछ चगड़ बगड़ और गोवा जैसे कपड़ा पहन के बैठे हुए थे सुबह से। फाइनली मेरा पूरा गेस्ट लिस्ट आ है, पापा कमरे से निकल के रेडी होके आ गई है, जीविता बोली की बाल बना के आ रही हूँ और ऐसे ही आ गई है रश्मि, वो मेरी एक सिस्टर इन लॉ है, ये एक मेरी सिस्टर इन लॉ है। ओ माई गॉड, और मेरी जो चीफ गेस्ट है वो भी आ गई है। ऐसी बात नहीं है, हाँ लोग रेडी हो चाहे ना हो, लियाना हर फंक्शन के लिए रेडी है, फुल्ली रेडी है। ये पैंट थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया था तो हमने आज कटवा दिया, आप देख सकते हैं कैंची से सीधा पकड़ के काटा है इसको, क्योंकि बहुत ही अहम वक्त पे हमें पता चला कि ये लंबा है बहुत। लियाना सेज हाय। हाय पीनो पानी। आज मेरा बेटी जो जो पसंद करती है खाने को तो वही मैं बनाई आज। आज मैं बनाया जीरा राइस, माछ भाजा, कद्दू, मीठा आलू, साग। ये रसम में होता है 5 टाइप का फ्राई चीज देना पड़ता है, और ये है चटनी आम का, चिंगड़ी माछेर मलाई करी, माछेर माथा दिए दाल, मुंडी के साथ ये दाल, सूप्तो और मिठाई। चलो अभी उसको जो जो पसंद है बनाया। आ जाओ एशो बोशो, रुक जाओ थोड़ा पानी पी लो। पिनाल लो लो लो, दोनों दो साइड में बैठ जाओ। तूने उसका कमर फाड़ दिया, कमर फाड़ दिया। आ जाओ खाना, सब ठंडा हो जाएगा। चलो 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 चलो।
मम्मी इतनी हड़बड़ी करती है, मेरे सामने इतना खाना रख दिया, मुझे खिला भी दिया, अब सबको परोस रही है और मुझे लग गई इतनी भूख। खाओ पहले खुद, उसके बाद खाना खाओ। नहीं, मुझे खिलाना है, तुमको मुझे नहीं खिलाना। इस रसम में ऐसे बोलते हैं कि मेरा झूठा खाने से नेक्स्ट इंसान को फिर बेबी होगा। एक ही साल में मैंने दो दो बार खिला दिया इन लोगों को, कुछ हुआ तो नहीं। आज पहली बार मैं इसको खिलाऊंगी, बॉयफ्रेंड भी नहीं है इसको। स्टाइल से खाना खा रही, मुंह खोल के। किस चीज का पकौड़ा? ना प्याज नहीं, पत्ता गोभी। अच्छा, वो आएगी। क्या खिला दिया उसको? उनको साग खिला रही हूँ और फूल गोभी। तुम्हारा बड़ा चम्मच आया। चावल डाला। नहीं रुको, तुमको दूंगी मैं करेला। करेला सब थोड़ा थोड़ा दिया, लेकिन करेला खाती हो ना? हाँ। हंसते ही देख देख के तुमको, तुम्हारी तरफ देखो हंसते ही है। इतना बड़ा ये लियाना का फेवरेट गाना है, पिकअबू पिकअबू कोको मेलन से। या एक्चुअली मैंने एक चैनल खोला है, रश्मि फूड प्लाजा। फूड प्लाजा, आ जाओ दिखाओ। देखो, बहुत अच्छा खाना बनाती है। बाप रे, इसे मिठाई विठाई तुमने बनाया? तो क्या क्या नहीं बनाया? स्मोकी चिकन टिक्का, बेस्ट मसाला फिश करी, क्विक रेसिपी, एग्जैक्ट स्ट्रीट स्टाइल समोसा चाट, चिकन लॉलीपॉप इन जस्ट 5 मिनट्स। बाप रे, 2 हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन फॉर वेट लॉस। ठेकुआ, ये तो मैंने बनाया था, बहुत ही ओके ओके सा बनाया था। वाओ, ये घर पे बनाया? तो बहुत ही अमेजिंग। ये ऐसा फ्रेंच फ्राइज भी घर पे बनाया, रेस्टोरेंट जैसा? क्या बात है। एंड बहुत हेल्दी भी तो है, ये वेजीज है सारे एंड पनीर। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर दें और रश्मि फूड प्लाजा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें। बहुत अच्छा बोलती भी है, एकदम फट 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 करके। दिस इज अमेजिंग। मतलब मैंने तो इधर डायरेक्टली दिखाई दिया, तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अगर घर पे इतना इंटरेस्टिंग रेस्टोरेंट जैसा खाना बनाना है। तो यहाँ पे आके कब बनाओगी कुछ जब अच्छा अच्छा सा? मैंने आपके लिए चाइनीज भी बनाया, क्योंकि आपको चाइनीज पसंद है ना? नहीं, मुझे अभी वो पसंद है। आज क्या खाया? मोतीचूर के लड्डू। तो जल्दी रश्मि मेरे लिए मोतीचूर के लड्डू बना के लाने वाली है। और मिल्क केक। हाँ, मिल्क केक घर पे बना हुआ, उसका रेसिपी वो इधर डालेगी और मुझे आके खिलाएगी। तो मैं उसका एक प्रॉपरली मैं लोगों को दिखा दूंगी कि ये बनी है इस तरीके से और खाने में ऐसा है। मतलब खा के फीडबैक, रियल फीडबैक कुछ सिखा भी देना और वो दोनों तो प्लीज बना के लाना। अभी आलिया को बेटी पैदा हुई, उसको लेके डिस्कशन चल रहा है कि दैट शी इज अ नंबर 6 एंड सो लकी एंड दिस। संजय जुमानी में ने अभी ऑलरेडी एक वो लिख दिया कि जो टाइम, हाँ, तो जो टाइम में डे में वो पैदा हुई है, शी इज गोना मेक अ सुपरस्टार एंड ऑल। मतलब उसको लेके डिस्कशन शुरू हो गया कि 3, 6, 9 आर लाइक ऑल द लकी नंबर्स। तो उस पर बात हो रही है कि मैं नंबर 9 हूँ, मेरा भाई भी नंबर 9 है, जीविदा इज नंबर 9, रश्मि इज नंबर 3 और ये है नंबर 4। नंबर 2। अच्छा, तुम नंबर 2, गुरु इज नंबर 4। सो ऑल द इवन नंबर्स आर लकी। तो ये अच्छी बात है कि जो है वो अपने आप को लकी समझे, क्योंकि तो लोग किसको क्या बोलते हैं उसे कोई लेना देना नहीं है। आप अपने आप को लकी मानो तो आपका जेन्युइनली आपका सारा रास्ता खुल जाएगा। Actually, और हाँ, मेहनत करने में भी मजा आता है ना, जब आप अपने आप को सोचते हो कि आप लकी हो, तो आपको लगता है मैं ये मेहनत कर रही हूँ ना, तो इसमें मेरा पक्का लक साथ देगा। हाँ, मेहनत आपका साथ देता है, लक तो वो है, वो तो उसके लिए कुछ नहीं बोल रहे, बट आप पहले मेहनत करते हो, वो माइंड सेट रहता है मेरा नंबर 3 है तो मैं इसमें मेहनत करूंगी तो मेरा रास्ता खुल जाएगा। बट उससे खुल जाता है, ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप बहुत अच्छा काम करते हो और वो आके जो यार पता नहीं होगा कि नहीं, आम तो वेरी अनलकी, मेरा तो माइंड में रहता है ना, होता ही नहीं है उन लोगों का काम। और मुंह से हमेशा अच्छी बात बोलनी चाहिए, जैसे भाभी। मम्मी भी 6 है, लियाना इज 3, हम सब अनइवन नंबर। लियाना जब बॉर्न हुई थी ना, तो मैंने सबसे पहले भाभी आपको बोला था ना कि लियाना इज 3, आई एम आल्सो 3। हां, इसीलिए हमारी बहुत बनेगी, क्योंकि 3 इज द गुरु का नंबर। ऐसा नहीं, नहीं, गुरु 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 माने गुरु गुरु मतलब गुरु गुरु माने गुरु क्या क्या
गुरु माने गुरुवार वाला गुरु, गुरुवार वाला गुरु। ऐसा कुछ गुरुवार कौन सा देव देवता है? बृहस्पति। हाँ, हाँ वही गुरु, तो उनको गुरु बोलते हैं ना, वो देव हाँ, के गुरु है ना। मुझे कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में। मैं तो ऑलवेज लकी सोचती हूँ, सब कुछ हो जाता है। इसलिए भाभी आप सबको बोलना अच्छा चाह रही है कि सब अच्छा सोचो, किसी को बुरा मत कहो, किसी से बुरा मत करो। ये डेफिनेटली वो भी एक फेज है, लेकिन ये है कि आप जो भी काम करो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करो, वो करियर में हो या फैमिली में हो या बॉयफ्रेंड ढूंढने में हो, हाँ, शादी करने में हो, कुछ भी कारण आप बस पॉजिटिव रहो, वो काम हो जाएगा। जो वीडियो देखेगा उसमें से तुम्हें मिल सकता है। नहीं, मेरे वीडियो में उसके लिए कोई वो नहीं है, क्योंकि ऑडियंस नहीं है, थक गई है। मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ रोमांच के लिए भी और इसके लिए भी, अभी मैं बोलती नहीं हूँ। आपके लिए भी ना, मत आना, वो घंटी बजा के जो उसके घर में जाएगा वही होगा। तो इसी तरीके से हम लोग बक बक करते रहेंगे, अगर कुछ इंटरेस्टिंग हो तो मैं दिखा दूंगी, नहीं तो आप लोग जाइए अपने फोन को बंद कर दीजिए, जो काम कर रहे थे वो करते रहिए। और फोन को बंद करने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू डेबिना डिकोड्स।